जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC CPO SI एडमिट कार्ड 2024 के बारे में, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस जारी हो चुका है। एंड यहां पर आपको इस वीडियो के अंदर एप्लीकेशन स्टेटस और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस तो बता ही जाएगा, साथ ही अगर आप इसको चेक या फिर डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो आप मेरे द्वारा भी चेक और डाउनलोड करा सकते हैं। उसके लिए आपको कैसे कहाँ पर जानकारी सेंड करनी है या आप वीडियो के लास्ट में जानेंगे। पहले आपको ये जान लेना कि कैसे आप खुद से आपके एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस एंड देन एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आप यहां पर लिंक देखेंगे, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है जो कि आपको ओपन करना अनिवार्य है। जैसे ही आप इसको ओपन कर लेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि इसमें कितनी वैकेंसी आई थी और कब से लेकर कब तक आपने फॉर्म को भरा था। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और आपको यहां पर सभी स्टेट के और सभी रीजन के डाउनलोड लिंक दिए हैं। मैं आपको यहां पर बता दूं कि जब SSC किसी भी एग्जाम को कंडक्ट करता है तो पहले वो उस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस यानी कि आपको ये पता चलता है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। और जैसे ही ये किसी एक रीजन का स्टेटस जारी कर देता है तो उसके बाद के जो रीजन है उनकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं होती कि उस डेट में उस रीजन का स्टेटस आएगा। ऐसा होता है कि 2 से 3 दिन के बीच के जो अंतराल होता है उसमें आपके एक एक करके बाकी रीजन के सभी स्टेटस आ जाते हैं। तो अभी के लिए यहां पर राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड जो कि आपका NR रीजन में आता है उसका स्टेटस आ चुका है और उसका लिंक एक्टिवेट कर दिया है। तो ऐसे ही करके बाकी के रीजन के भी आएंगे और आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा कि सर मेरा ये रीजन है, ताकि जैसे ही आपके रीजन का आए मैं आपके लिए स्पेसिफिक एक वीडियो उसके बारे में बना दूं ताकि आपको पता भी चल सके और आपका स्टेटस भी आप चेक कर सके। अभी के लिए यहां पर सिर्फ एक ही रीजन का आया है जो कि धीरे धीरे करके सभी रीजन का आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जाम आपके 27 जून से स्टार्ट है और 29 जून 2024 तक रहेंगे। तो यहां पर मैंने सभी लिंक दिए हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पर अभी NR रीजन की बात कर रहा हूं तो आप यहां पर इसके सामने क्लिक पर क्लिक करेंगे और ये वेबसाइट आपको आपके ब्राउजर के अंदर ओपन कर लेनी है और उसको रिफ्रेश करते हुए देखते रहना है, क्योंकि जैसे ही यहां पर बाकी रीजन के लिंक एक्टिवेट होंगे वो यहां पर अपडेट कर दे जाएंगे। तो अभी आप यहां पर जैसे कि NR रीजन से तो आप ये लिंक ओपन करेंगे, अभी यहां पर कुछ इशू आ रहा है, सर्वर में वेबसाइट लोड नहीं हो रही है। जैसे ही लोड होगी तो आप आपका राशन नंबर, आपका DOB का इस्तेमाल करके आपके एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेक करेंगे। जैसे ही आपको उसमें आपका एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी दिखने लग जाए तो जो भी आपकी एग्जाम डेट है, चाहे 27, चाहे 28, चाहे 29, तो उसके 3 से 4 दिन पहले आप आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड या फिर प्रिंट कर पाएंगे। यानी कि अभी के लिए सिर्फ आप आपके एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस ही चेक कर सकते हैं, एग्जाम डेट के 3 से 4 दिन पहले आप उसको डाउनलोड या प्रिंट कर पाएंगे। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये एक मैं आपको डेमो के लिए एडमिट कार्ड दिखा रहा हूं। जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे इसी तरह का आपका एडमिट कार्ड रहेगा, जिसमें कि आपकी एग्जाम डेट होगी, इसके अलावा रिपोर्टिंग टाइम होगा, जो भी रिपोर्टिंग टाइम है उसके भी आपको आधे से घंटा पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है। फिर यहां पर आपको आपका एग्जाम पैटर्न देखने को मिलेगा, ये आपको कलर में प्रिंट कराना है क्योंकि उसमें बेहतर रहता है, कोई इशू नहीं आता। साथ ही साथ आप एक गवर्नमेंट द्वारा जारी ID लेकर के जाएंगे जिसमें कि आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब गाइस अगर आप आपके एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस या फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे और आप मेरे द्वारा डाउनलोड करना चाहते तो आप क्या करेंगे, तो जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में सबसे लास्ट में आइएगा, कमेंट में जानकारी मत देना क्योंकि यहां पर दी हुई जानकारी पब्लिक हो जाती है, इसलिए आप यहां पर कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद में यहां पर आपको आपका नाम देना है, आपकी ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर जो कि व्हाट्सएप का होना चाहिए क्योंकि यहां पर आपको एडमिट कार्ड का PDF सेंड किया जाएगा। मैसेज में आप आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपकी अगर आप सेंट्रल रीजन से हैं तो एग्जाम सिटी आपने पहले वाली कौन सी सिलेक्ट की थी वो, और साथ ही साथ आपको यहां पर लिखना है SSC CPO SI एडमिट कार्ड 2024। जितना इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एग्जाम सिटी है उतना ही इंपॉर्टेंट यहां पर यह लिखना है कि SSC CPO SI एडमिट कार्ड 2024, क्योंकि उसी से मुझे पता चलेगा कि ये किस चीज की जानकारी है और मुझे इसका क्या करना है। एंड देन सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद ये जानकारी मेरे पास आएगी और जितनों का भी हो पाएगा वो एडमिट कार्ड या एप्लीकेशन स्टेटस चेक करके आपको आपके व्हाट्सएप पर बता दिया जाएगा एंड उसके लिए आपसे कोई भी किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा। सो गाइस इस तरह से आप यहां पर आपका एडमिट कार्ड या एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेक करेंगे। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।